कल्पना कीजिए कि दो लोग हैं, एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, जी नहीं सकते दूसरे के बिना, खूब बोलते हैं कि तेरे बिना मर जाऊंगा, तेरे बिना मर जाऊंगी, ऐसा ड्रामा करते हैं रात दिन। और आगे चल के किसी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया, असहमति हो गई, संबंध टूट गया, विच्छेद हो गया, नाराजगी हो गई, लड़के को लगता है कि लड़की धोखेबाज है, लड़की को लगता है कि लड़का धोखेबाज है, और जो भी हुआ असहमति हुई, दोनों अलग हो गए। अब देखिए तीन स्थितियां हो सकती हैं। एक स्थिति क्या होती है, जब दो लोग प्रेम में होते हैं ना, तब मुद्रा होती है समर्थन वाली, ये वाली मुद्रा। फिर जब ब्रेकअप हो गया इन दोनों व्यक्तियों का, तो उसके बाद एक स्थिति क्या हो सकती है कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो जाए। आप देखेंगे कि समर्थन और विरोध दोनों स्थितियों में आपकी चेतना डिपेंडेंट रहती है उसी पे। समर्थन का मतलब तुम जो कहोगे वही सही है, और विरोध का मतलब तुम जो कहोगे वो गलत है, मैं उसे खारिज करने के लिए अपना समय भी खराब करूंगा, ऊर्जा भी खराब करूंगा, चेतना भी खराब करूंगा। सबसे अच्छा है तटस्थ हो जाना, इसको बेरुखी कहते हैं आप लोगों की उम्र की भाषा में, बेरुखी मतलब ही नहीं, फर्क ही ना पड़ता। धर्म की दुनिया में कहूं तो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन सी संस्था है, ना समर्थन ना विरोध। मैं क्यों विरोध करूं, मुझे क्या मतलब है, मैं क्यों समर्थन करूं, मुझे क्या रुचि है। ठीक वैसे ही कि ब्रेकअप हो गया तो उससे मतलब ही नहीं, भाई वो खुश है खुश रहे, खुश नहीं है खुश ना रहे, मुझे क्या, मैं अब उससे अलग हूं, मैं अपनी दुनिया में खुश हूं, अपनी दुनिया को मैं ठीक से चलाऊंगा, मुझे उसकी दुनिया से फर्क ही नहीं पड़ता, वो सफल हो, बहुत आगे बढ़े, खुश रहे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है तो बात खत्म। इसको बोलते न्यूट्रैलिटी, उदासीनता, तटस्थता।